हैदराबाद की घटना पर खौला देश के सबसे बड़े जल्लाद का खून। निर्भया के दोषियों को फांसी पर पवन जल्लाद ने कही बड़ी बात। निर्भया और हैदराबाद की महिला डॉक्टर के साथ हुई रूह कपा देने वाली घटनाओं को घर बैठे नहीं रोका जा सकता है। इसके लिए जरूरी ये है कि जितनी जल्दी हो सके निर्भया के मुजरिमों को फांसी पर लटका दिया जाना चाहिए। हैदराबाद की महिला डॉक्टर के हथियारों को जल्दी से मुजरिम करार दिलवाया जाए। हिंदुस्तान में निर्भया और हैदराबाद जैसे कांड खुद ब खुद ही बंद हो जाएंगे। ऐसे जालिमों को मौत के घाट नहीं उतारा जाएगा। तब तक बाकी बचे ऐसे क्रूर इंसानों में भला भय कैसे पैदा होगा? ये किसी मुंबईया फिल्म का डायलॉग नहीं बल्कि देश के सबसे बड़े जल्लाद पवन की मुंह जुबानी है। मेरठ में मौजूद पुश्तैनी जल्लाद पवन ने अपने दिल में उठ रहे तमाम गुब्बार को बेझिझक निकाला। पवन ने कहा कि अगर निर्भया के हथियारों को सरकार लटका चुकी होती तो शायद हैदराबाद की मासूम बेकसूर डॉक्टर बेमौत मरने से बच गई होती। आखिर निर्भया के हथियारों को तिहाड़ जेल में पाल कर रखा ही क्यों जा रहा है? निर्भया कांड के मुजरिम या फिर हैदराबाद के महिला डॉक्टर के हथियारे, इनका इलाज जब तक आनंद फानन में नहीं होगा तब तक ये मुसीबतें समाज में बरकरार रहेंगी। अपने दादा के साथ अब तक जिंदगी में 5 खुखार मुजरिमों को फांसी पर लटकाने वाले पवन ने कहा कि मैं तो एकदम तैयार बैठा हूँ। निर्भया के मुजरिमों के डेथ वारंट मिले और मैं तिहाड़ जेल पहुँचूँ। मुझे मुजरिमों को फांसी के फंदे पर टांगने के लिए महज 2 से 3 दिन का वक्त चाहिए। सिर्फ ट्रायल करूँगा और अदालत के डेथ वारंट को अमल में ला दूंगा। मैं खानदानी जल्लाद हूँ, इसमें मुझे शर्म नहीं लगती। पवन से जब पटियाला सेंट्रल जेल में 2 भाइयों को फांसी लगवाई गई थी उस वक्त उनकी उम्र 20 से 22 साल थी। बकौल पवन, ऐसे मुजरिमों को पाल कर रखना यानी नए मुजरिमों को जन्म देने के लिए खुला मौका देना होता है। जल्लाद पवन का ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब हाल ही में ये खबर सामने आई थी जिसमें कहा जा रहा था कि निर्भया के दोषियों को फांसी देने के लिए कोई जल्लाद ही नहीं मिल रहा। सूत्रों की माने तो 1 महीने में फांसी की तारीख आ सकती है और ऐसे में जेल प्रशासन के सामने जल्लाद नहीं मिलने की बड़ी समस्या थी। इंडिया न्यूज़ वालों की रिपोर्ट।